हाँ सान्या जल्दी बोले यार, मैं गेम खेल रहा हूँ। जी जिसका भी ये फोन है उसको मैं हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हॉस्पिटल क्या हुआ सान्या को? मैं सान्या का भाई अर्नब बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल क्या हुआ, किसका फोन है? मम्मा सान्या का फोन है, रुको मैं स्पीकर पे डाल लगाता हूँ। देखिए आंटी मैं रोहन बोल रहा हूँ। सान्या ने मुझे अपना फोन अनलॉक करके दिया है और उसके फोन कॉल में रीसेंट नंबर आपका था। हाँ बताओ, एडमिट करा दूं? वो ठीक है ना? अरे उसको क्या, उसको फोन दो, मैं बात करती हूँ। फोन दो उसको। देखिए आंटी वो भी बेहोश। बेहोश? अरे क्या हुआ उसे? आंटी वो मुझे नहीं मालूम, बट डॉक्टर ने कहा है कि उसे अभी एडमिट कराना पड़ेगा। अरे तो करवाओ ना एडमिट, जल्दी करवाओ, हम लोग बस निकल रहे हैं बेटा। आंटी आप मुझे उसकी पूरी डिटेल्स भेज दीजिए, जैसे नाम और एड्रेस वगैरह, मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। मैं भेज देता हूँ सारी। हाँ तुम्हें जो भी चाहिए हम करते हैं अभी। हाँ आंटी लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं तो अपने काम से घर से बाहर निकला था तो मेरे पास ज्यादा पैसे है नहीं, वरना मैं एडमिशन फीस भी भर देता। अरे बेटा तुम पैसे की चिंता मत करो, हम अभी भेजते हैं, तुम्हें जितने भी चाहिए ना हम अभी तुम्हें पेटीएम करते हैं। तुम अपना बताओ क्या चाहिए तुम्हें? एडमिशन फीस 15,000 है, मेरे पास 2,000 थे मैंने भर दिए। अरे बेटा इस जमाने में कोई इतना नहीं करता, तुम बस कर दो, हम तुम्हें पेटीएम करते हैं। अर्नब रोहन तुम अपनी बस बैंक डिटेल्स भेजो, मैं अभी पेटीएम कर देता हूँ। मैं आपको कर रहा हूँ जी। ठीक है आंटी आप आइए, मैं आपका वेट करता हूँ। तू बस पेटीएम कर दे, जो भी वो बोल रहा है जितना बोल रहा है तू बस कर दे, हम लोग निकलते हैं। हाँ ठीक है बस चल चल जल्दी चल जल्दी चल। हाँ पापा भी आ गए। हाय भैया। सान्या सान्या तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है आखिर ये कॉल कहाँ से आया? जी हाँ ये एक नए तरीके का साइबर क्राइम है जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले आपके करीबी दोस्त और परिवार वालों को आप ही के नंबर से फ़ोन करते हैं। बिना आपको पता चले स्कैमर्स आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं और आपकी मेहनत की कमाई को पल भर में चुरा लेते हैं। सतर्क रहिए, पैसे या इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले कॉलर की ऑथेंटिसिटी जरूर चेक कर लें। जय हिंद।